सर मुझे उस वक्त गवाह और सबूत को देखकर जो मुनासिब फैसला करना था मैंने किया और मैं आज भी अपनी राय पर कायम हूं। मिस मापारा को रिहा कराना सरासर गलत है। शाह साहब आपको अंदाजा भी है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी कंपनी की कितनी बड़ी बदनामी हुई है। कौन सी गलती? मुझे सबूत मिले और कंपनी के मफाद को देखते हुए मैंने पुलिस को बुलवा लिया। मीडिया को बुलाना, फर्म का नाम उछालना, ये भी आपको कंपनी के मफाद में लगा? सर मैंने मीडिया को नहीं बुलाया। I don't know, वो कैसे आ गई? यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मीडिया बिन बुलाए मेहमान की तरह बाहर पहुंचा और न्यूज देखकर आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अगर मीडिया को आपने नहीं बुलाया तो ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स नजर आ रहा है वो फसल बिल्डर्स का मैनेजर है। अब मान लेते हैं कि वो मिस मापारा को रिश्वत देने के लिए आ रहा है, लेकिन उसने ये सारी बातें आपको क्यों बताई? मिस मापारा के बारे में सारी डिटेल्स, उनकी सारी ईमेल्स आपको क्यों भेजी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने मीडिया को नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? आपका कहने का मतलब क्या है? ये सब मैंने किया है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी ने इस्तेमाल किया मिस मापारा के खिलाफ, क्योंकि वो जानता था कि आपके और मिस मापारा के दरमियान इख्तलाफात है, इसलिए उसने आपको यूज किया। लिसन मिस्टर साला, मेरे मिस मापारा से कोई जाती इख्तलाफात नहीं है और कोई क्यों फायदा उठाएगा? ये तो सिर्फ कहने वाली बात है, दिल का हाल तो कुछ और ही था। आप मान लें कि रिश्वत भेजने वाले को ये यकीन था कि आप हम में से किसी का भी इंतजार किए बगैर पुलिस को इत्तला कर देंगे और आपने कर दी, इसलिए उसने मीडिया को स्टैंड बाय पर रखा हुआ था और आपकी बेवकूफी की वजह से एक बाइज्जत लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल गई, वो भी सबके सामने। जरा बेटा थोड़ा तो पी लो ना, वरना कमजोरी हो जाएगी। शाबाश पियो थोड़ा सा। हाजरा बेटा क्या हो गया है, पी लो ना, एनर्जी होगी तो तभी तो अपनी बच्ची का ख्याल रख पाओगी। नहीं मम्मी जी, मेरा दिल नहीं है। अच्छा मेरी बच्ची आ जाएगी तो मैं सब कुछ खा पी लूंगी। आओ सही, लो यहाँ रखो। रख दो, रख दो। हाँ सब चीजें जल्दी से सेट कर दो सकीना, अभी रायद और सुहेल बस लेकर आते ही होंगे बच्ची को। अरे सकीना क्यों सेट करेगी, मैं दादा हूं, मैं सेट करूंगा। सकीना तुम जाओ। अच्छा वो हाजरा बेटा, बच्ची के और भी तो कपड़े थे ना, कहाँ है वो? शहरा भाई कल से बच्ची 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 लगा रखी है, कोई अच्छा सा नाम रखो ना। और क्या हाजरा बेटा, तुमने बेटी का कोई नाम सोचा? पापा मैंने तो सारे लड़कों के नाम सोचे थे। शैला तुमने भी कुछ सोचा या? नहीं मैंने सोचा तो था एक नाम। अरे कमाल करती हो, जब नाम सोचा ही था तो फिर बता क्यों नहीं रही? बताओ क्या नाम सोचा? फरी। फरी वो फरी के बाद हमारे हमारे घर में पहली बच्ची आई है ना, तो मैंने सोचा था कि हम उसका नाम फरी रखेंगे। हाँ बहुत अच्छा नाम है। ए, बेटी आई है घर में तो वो फरी नाम ही अच्छा है। है सुहेल को बताकर आती। अरे सुहेल को बाद में बताना, पहले हाजरा की राय तो लो।
आजरा। मेरी राय क्या होगी, आप सोहेल से पूछें कि फरी को कब तक लेकर आएंगे। खुश रहो, ये यहां रख देना ये। अरे आप